एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और ओरिएंटल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं 3 दिनों से नहीं नहाई हूँ, अब मैं आज नहाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। आलसी तो मैं एक नंबर की हूँ, मुझे काम करने में बहुत आलस आता है। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं नहा धोकर बाहर आई हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से तैयार हुआ है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी बुला रही थी काम करने के लिए, लेकिन उनका भी काम मैंने नहीं सुना है। तो मम्मी मेरी खेत गई हैं, मुझे बुला रही थी कि चलो खेत, तो मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि खेत में आलत मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड, अब मैं भी जा रही हूँ, नहीं मम्मी उसे डांट बहुत मिलेगी। बोलते हैं काम धंधा कुछ नहीं करती, बस दिन भर खाती पीती रहती है, और मैं उसे बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो फ्रेंड, मम्मी के पास मैं जा रही हूँ, और मैं मम्मी से काम थोड़ी ना करूँगी, लेकिन वहाँ पर मस्ती करूँगी जा कर के। और मम्मी भी काम कर रही हैं, मुझे बुलाए थे लेकिन मैं गई नहीं हूँ। तो फ्रेंड, आप बताइए, आप आलसी हैं जब नहाने में नौटंकी करते? लेकिन मैं नहाने में बहुत नौटंकी करती हूँ ठंडी में। गर्मी में तो मुझे बहुत मज़ा आता है नहाने में, लेकिन जब बारिश में नहाओ तो भी बहुत मज़ा आता है। ठंडी में क्या है, एक बार नहा लो तो लगता है नहाते रहो मस्त, निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हाँ नहाना बंद कर दें, लेकिन लगता है कितना नहाएं बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड, मेरी मम्मी गुस्सा हो गई, अब देखो मेरी मम्मी आ भी रही हैं, काम सारा हो गया तो मेरी मम्मी आ भी रही, तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मैं और अच्छे से हो गया, मुझे और नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर खेत। तो मेरी मम्मी वापस आ रही हैं, तो फ्रेंड अब घर जाना पड़ेगा, घर में काम बहुत है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी मम्मी आ रही हैं, आज हम घर पे बहुत मस्ती करेंगे फ्रेंड, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि आज नहाई भी बहुत अच्छे से हूँ, बहुत ज़्यादा ही, 3 दिन नहीं नहाई तो, लेकिन 3 में मैंने बहुत अच्छे से नहाया। और ये देखो हमारे गांव की छोटू जी हैं। मैं खेत से आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज काम करना नहीं पड़ा है, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मौसम भी बहुत प्यारा है और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ वैसे भी। तो फ्रेंड, बारिश का महीना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, और नहा करके भी बहुत ही हल्का हो गया। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे दादाजी आए हैं जो बहुत दूर गांव पे रहते हैं, तो वो आज आए हैं और मोमो खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्हें बुला रहे हैं कि मेरे घर की तरफ आओ, तो उन्होंने मेरे से भी पूछा है तो वीडियो बनाते हो इससे क्या मतलब होता है। तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाया कि बाबा ब्लॉग बनाते हैं जो हमारा कुछ दिखाना होता है, दिखाने से अच्छा लगता है अपनों को। उन्होंने बोला है कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, तो क्या हमने बोला कि अभी तो इतने कुछ कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और सब्सक्राइबर 1K के ऊपर हैं, और मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इतनी सपोर्ट मुझे मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सपोर्ट से इतना 1K के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड, और मैं उतना मेहनत करना चाहती हूँ कि मेरे घर के आसपास मुझसे पूछें कि हाँ ये वीडियो बनाना भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गलत मानते हैं कि ये करती है वो करती है, और वो लोग बुरा भी मानते हैं और कोई लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो फ्रेंड, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड, तो आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए फ्रेंड। और वैसे भी मस्ती करने वाला मूड है इस टाइम पे, तो मस्ती करते हैं और बहुत मज़ा आएगा, और मेरे लास्ट वीडियो तक बने रहना और बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो स्किप नहीं करना और बहुत मस्ती करने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरी बहन से जो मेरे पास है, क्योंकि मेरे साथ वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत अच्छा लगता है इसके साथ वीडियो बनाने में और बहुत मस्ती करते हैं दोनों लोग, तो आप मिली मेरी बहन से। ये मेरी बहन है जो क्योंकि हंसती बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा कॉमेडियन टाइप की है और बहुत अच्छा लगता है इसके मुँह से, तो कुछ बोलना चाहती है ये। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम सिवन चौधरी है और ये मेरी बहन है जो क्लास 12th में पढ़ती है और मैं क्लास 10th में हूँ। ये मुझे बहुत परेशान करती है वीडियो बनाने के लिए, और इसे सपोर्ट करिए क्योंकि ये बहुत मेहनत करती है और मुझसे भी मेहनत करवाती है, प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस। तो देख लीजिए, करती भी है तो बता भी रही है कि पर ये बहन भी उन्होंने तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, बहन की हेल्प करना चाहिए। तो फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा भी हेल्प करते हैं मेरी, और बहुत अच्छा लगता है
की वीडियो बना के भी एक खुशी मिलती है जो मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को मिलती है। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो मेरी बहन मुझे याद दिलाती रहती है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए वीडियो के लिए मम्मी भी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, अच्छा इन्जॉय करो, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से। और मेरे घर की तरफ से पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझसे भी, खुद से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है फ्रेंड। और आप भी सपोर्ट करते हैं फ्रेंड। मैं घर के पास आ गई, मेरे दादाजी और दादी से झगड़ा हो रहा है और उनका झगड़ा एनी टाइम शुरू रहता है, तो मैं आप लोग दिखाती चुप चुपके चुपके से। लेकिन फ्रेंड मैं आप लोग को दिखाऊंगी इन लोग का झगड़ा, अभी तो शांत है, माहौल अभी शांत है, तो फ्रेंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ चुप्पे चुप्पे से दिखाऊंगी। तो मैं चल रही हूँ चुप्पे चुप्पे। कितने काम में रहा? ये बड़े दादा है, छोटे है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इनकी लड़ाई चल रही है। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ छत, छत का माहौल बहुत अच्छा लगता है और छत में तो सबसे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इन लोग की लड़ाई हमेशा चालू रहती है और हमें अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, क्योंकि घर में अगर कुछ अटखटपन ना हो तो फिर भी नहीं अच्छा लगता है। और ये लोग रहते हैं तो बहुत सपोर्ट रहता है हम लोग का और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पौधे से तो बहुत ज़्यादा लगा था, आप देख सकते हैं ये मेरा एलोवेरा है जिसकी मैं बहुत अच्छे से कदर करती हूँ, ये देखिए। और इनकी सपोर्ट मैं करती हूँ, इनकी रक्षा मैं करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते कितना हरा भरा है। और ये पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था तो एक था, आप देख सकते हैं ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, फोर फाइव। और मैं सब लगाई, ये वाली मेरी छोटी बहन ने लगाया है, उसने बोला था कि देखते हैं कितने से, क्योंकि ये फाइव ईयर का हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया था और मैंने स्कूल भी नहीं गई, ना कोचिंग गया और ना ही कोचिंग ना ही स्कूल नहीं गई मैं आज, क्योंकि मुझे घर में काम बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड आज मैंने रगड़ रगड़ के कपड़े धुले, इतने ज़्यादा कपड़े थे कि मैं थक चुकी। और ये मेरी छोटी बहन ने ना, ये देखो एलोवेरा को देख रही है क्योंकि ये भी, और इसमें बताओ कितनी नादान टाइप की है, इसने सेब की बीए उसमें डाल दिए हैं और केवी फल के भी बीए इसने लगाया है। अब देखते हैं कितने दिन में उगता है तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि केवी फल की थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकली हैं, जब और बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप देख सकती हैं। और ये अभी मैं इनको कपड़े धुलने के लिए बोल रही थी लेकिन बहुत नौटंकी कर रही थी, आप देख रहे खुवड़ एक नंबर की आप देख सकते हैं। तो ये देखिए और ऐसे मस्ती करती रहती है और ये नमकीन बहुत खाती है, ये देखो मुझे भी दे रही है। लेकिन फ्रेंड आपको खाना है तो आइए सब कुछ खाते हैं मिलके, साथ में खाएंगे फ्रेंड, बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड ये बहुत दुष्ट बहन भी है क्योंकि मेरा काम भी कुछ नहीं करती, जब इसको काम हो आता है ना तो ये मेरे साथ कराती भी नहीं है, करती भी नहीं है और खाने में लगी रहती। तो आप देख लीजिए गाइस ये खा रही है। तो मुझे दीवार पार करके उधर जाना पड़ेगा चाची के घर, क्योंकि मैंने चाची के यहाँ कपड़े सूखने के लिए डाले हैं। तो मैं वे देखो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक जगह से मैं जा रही हूँ, और ये देखिए और मैं यहाँ पर पार करके आ गई हूँ। ये मेरी चाची की छत है और एकदम जुड़ी जुड़ी सी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मेरे स्कूल के ड्रेस हैं जो आप देख सकते हैं, ये देखिए वाइट कलर के हैं ये, आप देख सकते हैं ये देखिए। और मैं कपड़े ले चुकी हूँ ये देखिए, और मुझे बहुत ये इतने सफ़ेद कलर के हैं लेकिन ये गंदे बहुत जल्दी होते हैं, स्कूल में कहते हैं खाने से इमली खा लें तो दाग लग जाता है, वो छूटता नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने इतने सफ़ेद कलर के धुले हैं और इतनी सेफ्टी करने के लिए चाची के घर लाई थी मैं, और मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर डाल दी फ्रेंड, अब मैं संघर्ष करते हुए
अपने घर जाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ का, अब ऐसे ही सरियाँ दिख रही हैं, इन सरियों को मुझे पैर रख रख के जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरी बहन को, वो देखिए वहाँ से कपड़े लेके आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से कपड़े दूंगी। तो यहाँ से मेरे कपड़े ले रही है, ये देखिए खाने के सामान तो बिल्कुल नहीं भूलती है, वो देखो वहाँ पर कपड़े ले गई थी, तो ये देखो मेरे कपड़े लेने आई है, मेरे गिराने नहीं। तो इसे संभाल के अभी इन्हें नीचे लेके जाएगी, आलसी नंबर एक है। और ये क्योंकि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरे घर के सामने भी आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, चाची के घर से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं। और इधर ये बाग है जहाँ पर मैं ब्लॉग बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा घर थोड़ा हट के बना है मेन रोड से, क्योंकि देखो जो ये खेत दिख रहा है उसके सामने जो गाड़ियाँ जा रही वो मेन रोड है। तो ये देखिए, और ये मेरी मेरे घर की छत है, आप देख सकते हैं कितनी कबाड़े हैं, लकड़ियों से भरी हुई है, ये देखिए। और फूल भी यहाँ पर देख सकते हैं, फूल कितना क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने घर दिख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर सब कोई सपोर्ट करता है और बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं फ्रेंड फ्रेंड और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ उन लोग से, और बहुत अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर और बहुत मज़ा आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ नीचे, और ये देखो अब ऐसे लगता थोड़ा सा पैर फिसल जाएगा ना, तो मैं एकदम सीधा नीचे जाऊँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत अच्छे से उतरना पड़ता है, ये देखिए अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए इधर दीवार है उधर ये है। तो फ्रेंड मैं इतनी स्पीड में आना पड़ा, तो फ्रेंड मैं अपने छत में आ चुकी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चुपके से मेरी मम्मा और मेरी बहन क्या कर रही है नीचे, ये देखिए फ्रेंड, ये देखो मेरी मम्मा और मेरी फ्रेंड की मेरी बहन क्या कर रही हैं, मोमो को खाना खिला रही है, क्योंकि मैं बकरा को मन्नो बोलती हूँ, मैं चाची के लड़का को मोमो बोलती हूँ। ये देखो बहुत सारे, ओ ये मेरा माला है जो अभी देख सकती हैं, नहीं फ्रेंड ये माला नहीं है, ये घूमने वाली, मैं इसको घूमने जा रही हूँ, घूमने घूमती इसको पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, मेरे से बनता नहीं है कि करने ट्राई करने जा रही हूँ। ये तो नीचे चला गया यार, और मैं ट्राई कर रही हूँ, ये माला बनाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे से बनता नहीं है। मैं साइकिल कैसे को निकाल और ऊपर मेरी बहन बता रही कि और ऊपर क्या रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे क्योंकि मुझे और आता नहीं है। मैं करने वाली हूँ यहाँ से कमर से, 1-2 में ही गिर जाता, तो फ्रेंड आप मैं इसको ट्राई करके ही आऊँगी, क्योंकि मैं फ़ोन में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसकी कोशिश में अब मैं डेली करूँगी क्योंकि मुझसे ये नहीं बनता है, और इसे करने में मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे घूमने में, तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है इसे करने में। तो फ्रेंड ये देखो कुछ बना, तो फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये देखिए फ्रेंड इसको मैं ऐसे ट्राई करने वाली हूँ, ये तो कुछ काफ़ी बना फ्रेंड, तो ऐसे ट्राई करने की कोशिश किया करो, और मैं भी ऐसे करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड ये माला ही अच्छा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइट बहुत ज़्यादा है, ये देखिए, तो इसे मैं डबल करके पहनने वाली हूँ, ये देखो ऐसे करके, क्योंकि मज़बूत बहुत हूँ ना मैं, ये देखो ये तो उठ रहा फ्रेंड, ये क्योंकि ऊपर को क्यों उठ रहा है, मैं इसको ऐसे करने चाहती हूँ लेकिन ये ऊपर उठ रहा है, ये खुल जा रहा है, बोल रहा कि तू फ्रेंड मस्ती करती करती, ये देखिए मेरे हाथ इधर बेकार बेकार लग रहा, और मेहंदी के बीच में ये काला काला लग गया है टायर का, जो काला काला छूट रहा है कोयले के तरीके, क्योंकि बारिश हुई थी तो वह गीला था, तो काला काला लग गया मेरे हाथों में।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे घर के पास ही कितना हरा हरा दिख रहा है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्रेंड गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये देखो मम्मू, ये देखो मम्मू है जो अपने दादी के पास बैठा है और मैं छत पे हूँ तो नीचे खेल रहा है बाग में। ये देख लीजिए मम्मू, यहाँ आओ बेटा, इधर देखो। ये देखो बहुत मस्ती करा ये, क्योंकि अभी खेल रहा है बॉल से और इसकी बॉल गुम हो गई है तो इसको ढूंढ रहा है। ये देखो मिट्टी बहुत खाता है ये, इसे देखो। अब ये देखो दादी को फेंक के मारता है और इसको बार बार बिनता है और खाता भी है। तो फ्रेंड नीचे बहुत अच्छा लगता है और अभी हम लोग नीचे में ब्लॉग बना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था नीचे, क्योंकि ये भी बहुत सारा तानी करता है, बोल तो स्माइल करने के लिए तो स्माइल भी करता है और आँख मारने के लिए तो आँख भी मारता है। इतना नादान सा लेकिन बहुत बहुत स्टाइल करता है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो घूम रहा है और मेरे घर आता है, बस 2 मिनट रखता है, बस ऐसा लगता है कोई भगा दिया हुआ, इतने स्पीड में जाता मम्मा के पास अपने। अगर मेरी फ़नी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करिए फ्रेंड, और फ्रेंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए क्योंकि फ्रेंड मेरे 1K तो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है क्योंकि व्यूज़ कम है। ज़्यादातर फ्रेंड मेरी वीडियो देखिए और फनी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी फ़नी वीडियो मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। बस एक खुशी छुपी है जो आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, तो फ्रेंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।